वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज़ लेकर आया हूँ टिकटॉकर्स की तरफ से और क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहाँ पर भी मैं काफ़ी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है आदिल खान की तरफ से, जिनके 3.8 मिलियन फॉलोअर्स है टिकटॉक पे। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड की है जिसका टाइटल है विस्फोट। तो उस वीडियो में आदिल खान ने अपनी कहानी बताया है और साथ ही साथ उस वीडियो का मकसद ये भी है कि आजकल बहुत से सोशल मीडिया स्टार्स अपसेट है वो इस वजह से क्योंकि उनको उनके फॉलोअर्स से जज किया जाता है, ना कि उनके टैलेंट से। अगली न्यूज़ आती है रियाज की तरफ से। तो कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को रियाज की एक स्टोरी बताया था, क्या आप लोगों ने उस स्टोरी में एक चीज नोटिस की है? रियाज के ड्राफ्ट में 800 से ज्यादा वीडियोज है, साल भर का स्टॉक है रे बाबा। अगली न्यूज आती है रीड्स की तरफ से। तो यहाँ पर रीड्स की मूवी आ रही है नेटफ्लिक्स पर और उसका टीजर लॉन्च हो गया है। डिस्प्ले पर आप लोग पोस्टर देख सकते हैं, नाम है चमन बहार। एंड यहाँ पर सोनू निगम ने अपने फेसबुक पेज पर इस टीजर को शेयर करते हुए कहा, मुझे याद है ये सॉन्ग वो टाइम जब मैंने इसे गाया था, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर दो दिन पहले रीड्स ने ये वाली स्टोरी अपलोड की थी जहां पर लिखा है यू आर ब्लॉक्ड। तो मुझे लगता है कि मंजुल को उसने ब्लॉक कर दी है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग मंजुल की फॉलोइंग में जाओगे तो वहां पर रीड्स आप लोग को दिखाई नहीं देगी। साथ ही साथ रीड्स तो चलो किसी को फॉलो करती नहीं है क्योंकि जीरो फॉलो। और आप लोग ये बात भी नोटिस कर सकते हो कि सभी ने रीड्स के लिए स्टोरी अपलोड किए हैं टीजर को लेके, लेकिन मंजुल ने नहीं किया। अगली न्यूज आती है रिवॉल्वर रानी की तरफ से। तो यहाँ पर रानी ने अपने यूट्यूब चैनल को लेके कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर किसी ने रिवॉल्वर रानी के नाम से फेक चैनल बना के रखा है, उस पर रिस्पॉन्स देते हुए रिवॉल्वर रानी ने कहा, This is not me. The person is using my identity. ये वीडियो मेरे TikTok के बैकअप अकाउंट से लिया गया है जो कि बहुत टाइम पहले बनाया गया। Also, I don't know. ये चैनल सर्च बार में शो हो रहा है एंड मेरा नहीं, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो राइट नाउ, प्लीज रिपोर्ट दिस चैनल। और फिर एक स्टोरी डालते हुए कहा, आज पता लगा मैं अकेले ही अच्छी थी, कहा सांपों में फंस गई थी, थैंक्स टू कॉन्ट्रोवर्सी कितनों के चेहरे सामने आ गए, अब टॉक्सिसिटी को गोली मारते हैं और रियल कॉन्टेंट को पोस्ट करते हैं। वीडियो नंबर 2 इज Q&A, मुझे मालूम है बहुत जल्दी हो जाएगा पर मैं पॉजिटिविटी के साथ काम शुरू करना चाहती हूँ। गैजरी न्यूज आती है अदनान 07 की तरफ से। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में अमीश देवगन से रिलेटेड बताया था, अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखे लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो। तो उस चीज पर अदनान ने फिर से रिस्पॉन्स देते हुए एक वीडियो अपलोड किया है, आइए देखते हैं। बंदा नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है, मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूँ और उनकी जियारत करता हूँ, फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए। और ये वीडियो के ऊपर अदनान ने कहा, जियारत करता, आस्था होती तो कभी ऐसे जाहिलों जैसी बातें नहीं करता, बद जानवर के मुंह के डर चेहरे पे दिख रहा है ख्वाजा वालों का। फिर एक स्टोरी शेयर की जहां पर लिखा है, जितना इस दलाल का चैनल कमाता है उससे ज्यादा अजमेर में रोज लंगर बढ़ जाता है गरीबों में। और अदनान की तरफ से एक और न्यूज की, अदनान के हो गए हैं 13 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। गाइस अगली न्यूज आती है अन्नू की तरफ से। ये क्या बोल दिया, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मतलब कि अनुष्का सेन की तरफ से। और यहाँ पर इंडिया फोरम्स की तरफ से अनुष्का का इंटरव्यू लिया गया है, अगर आप लोगों को पूरा वीडियो देखना रहेगा लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो, लेकिन आइए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली क्लिप है उसमें अनुष्का ने बताई है कि उसने दो फिल्म की है, उसमें से एक फिल्म जिसमें उसने एनिमल की स्किन पहनी थी और वो शूटिंग हुई है कश्मीर में। Wearing that and we were shooting, a lot of people recognized me in Kashmir, which I didn't expect ki Kashmir mein also I have so many fans and everyone was like, Anushka, this is you, Jhansi ki Rani, Mehar, this, that, and they are looking at me in that animal wala skin wala look. अगली क्लिप जहाँ पर अनुष्का ने बताई है कि वो म्यूजिक वीडियो करने का सोच रही है। और तो और वो वेब सीरीज भी करना चाहती है। What I'm looking forward to next is, probably web series. I would love to try that because I'm a big fan myself of watching series. I think it's very addictive. So I'm saying I think I would love to try something like that. Try something like a good web series which I will have fun to do, or I have something which will take preparations. I love roles which challenge me. So I think I would love to do that. अगली न्यूज आती है राधिका की तरफ से। तो यहाँ पर राधिका का न्यू सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है सारा इंडिया, डिस्प्ले पर आप लोग पोस्टर देख सकते हैं। अगली न्यूज आती है जोकर की तरफ से। क्या लगा, जो क्या बोलूंगा, नहीं वो एजाजिया है। तो लगता है जोकर की तरफ से कुछ तो सरप्राइज आने वाला है। गुड मॉर्निंग, आज कुछ अच्छा होने वाला है तो दुआ करो, होप फॉर द बेस्ट।
अगली न्यूज आती है गीमाशी की तरफ से। तो यहाँ पर गीमा की तरफ से भी न्यू सॉन्ग आने वाला है जिसकी शूटिंग घर में हुई है। उन्होंने ये पोस्ट अपलोड की है जिसके नीचे लिखा है, शूटिंग डन एट होम ऑन माई ओन फॉर माई न्यू म्यूजिक एल्बम तस्वीर, खुद ही डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट। अगली न्यूज आती है अरिशफा खान की तरफ से। तो यहाँ पर अरिशफा भी कोई तो सरप्राइज ला रही है जो कि आज आप लोग को पता चलेगा। सबसे पहले आप लोग कुछ स्टोरीज देख लो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कल मैं लाइव आ रही हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे आप सभी को बहुत बड़ा सरप्राइज देने, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट फिलहाल अभी उसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ। जिस प्रोजेक्ट पे मैं और मेरी टीम बहुत दिन से काम कर रहे थे वो फाइनली आने वाला है। एंड मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मन करे कि अभी सब कुछ बता दूँ, बट अभी बता नहीं सकती। जो लोग सोशल मीडिया यूजर्स हैं एंड इंस्टाग्राम यूजर्स हैं उनके लिए ये सरप्राइज बहुत फायदेमंद है। तो आप लोग कल मेरी लाइव में आना मत भूलना एंड सब सुना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। कल बहुत सारी बातें करेंगे। Love you guys, live आ रही हूँ, जल्दी आ जाना कल। और तो और उसने ये वाली स्टोरी शेयर करते हुए कहा, लॉन्चिंग टू नाइट ऑन इंस्टाग्राम लाइव एट 9 PM, यानी कि आज रात 9 बजे वो लाइव आने वाली है, लेकिन मेरा वीडियो होता है 10 बजे अपलोड, मतलब कि अरिशफा भी लाइव है या तो लाइव आके जा चुकी है। एनीवेज जो भी हो, आप लोग देख सकते हैं अरिशफा के हाथ में मोबाइल है, तो हो सकता है मोबाइल से रिलेटेड कोई तो सरप्राइज हो या तो कोई ऐप लॉन्च हो रहा हो। तो उस लाइव में से जो भी अपडेट मिलेगी कल वाली वीडियो में बता दूंगा। अगली न्यूज आती है हिंदुस्तानी भाव की तरफ से। तो यहाँ पर भाव ने एक पोस्ट अपलोड की है जहाँ पर लिखा है, आज मीडिया के बहुत जाने माने पत्रकार के लोग जो ये देश को तोड़ना चाहते हैं, अमित देवगन, जय हिंद। फिर उन्होंने उस पर एक वीडियो अपलोड की है, आइए उसमें से इम्पोर्टेंट क्लिप्स देख लेते हैं। इतने सालों से बस एक ही चलता आ रहा है, बस तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई, उसके आगे कुछ स्टेशन आया ही नहीं आज तक, टॉप हुआ ही नहीं ये सब चीजें। वो हमारे भगवान को गाली देंगे, हम उनके भगवान को गाली देंगे, फिर उसका मुद्दा बनाने के लिए गद्दी पे बैठे उसका फायदा उठाएंगे। अब फायदा उठाने दे रहे ना, हजार बार वीडियो में बोला हूँ मैं, धर्म के बारे में गलत मत बोलो। जाने माने पत्रकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बोल रहे, क्या जरूरत है उनके बारे में बोलने की। अब तो पढ़े लिखे हो ना, गुने खाते ना, हिंदुस्तान पूरा बोल रहा है इंडियन आर्मी के लिए आवाज उठा रहे। बताए कुछ रे, एकता कपूर ने ऐसा किया बताए? तू नहीं बताएगा क्योंकि तुमको हराम की रोटी बहुत पसंद है। हिंदू मुस्लिम बस यही करना है तुम लोग को बस। अभी आपके ऊपर FIR होना चालू हो गया है, दुकान बंद करने का टाइम आ गया। एकता कपूर भेज रही आपको राशन, रामिश देवगन वापस ये हरकत मत कर किसी धर्म के बारे में बोलने, वरना नंगा करके रोड पे मारेंगे। अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ। अगली न्यूज आती है फैसू 07 की तरफ से। तो यहाँ पर फैसू और आलिया का जो वीडियो था जिससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को काफी कुछ पहले भी बता चुका हूँ, जिस पर मैंने जन्नत जुबैर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक बना दिया था, वो वीडियो क्रॉस कर लिया है 100 मिलियन व्यूज। 100 मिलियन कमाया? वेट, हेलो जन्नत जुबैर। बोला था क्या बोलू, निकल गया रे भाई हाथ से। 100 मिलियन व्यूज किसको बोलते हैं मालूम? नहीं। अगली न्यूज आती है अब्दुल की तरफ से। तो यहाँ पर अब्दुल का न्यू सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है होगी जीत, और उस पर अदनान ने कमेंट करते हुए कहा, दिस वन विल बी लेट, बेस्ट ऑफ लक स्टार बॉय। अगली न्यूज आती है O8's प्रैंक की तरफ से, जिनके 9 मिलियन फॉलोअर्स है टिकटॉक पे और 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। तो यहाँ पर जो है इनके खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर की गई है, वो क्यों की गई आप लोग आगे सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग एक वीडियो देखो उनका। तो अगर तुमने हाँ नहीं बोला ना, मैं अपना हाथ काट दूंगा। अरे इधर मत काटो, उधर जाओ, अपना हाथ काटो, यहाँ में ड्रेस गंदा हो जाएगा। अरे इधर मत काटो, उधर जाओ, अपना हाथ काटो, यहाँ में ड्रेस गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर निशित जो कि साइबर क्राइम ऑफिसर है, उनको इस वीडियो को लेके किसी ने कंप्लेंट डाला। आप लोगों को जो वीडियो दिखाया उसमें आप लोग नीचे चैट पढ़ ही सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर निशित सर ने एक्शन लिए और कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि वायरल इश्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है रिगार्डिंग डिप्रेशन एंड नेगेटिव वायलेंस, इनसे मिलते जुलते और भी इश्यूज अराउंड द ग्लोब। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि लड़की सुसाइड के इशू को प्रमोट कर रही है। ऑल्सो दोनों लोगों ने कहा कि वो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करते हैं एंड उनके पास हाई अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स भी है, फिर भी उन्होंने उस वीडियो के बारे में सोचा नहीं जो उन्होंने बनाया। लोगों को प्रमोट करना सुसाइड के लिए अगर वो प्यार में रिजेक्ट होते हैं, ये दिखाता है कि कितना कुछ करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को प्रमोट करने के लिए। एज वेल ये चीजें वो अपने फॉलोअर्स में स्प्रेड कर रहे हैं। हमने सक्सेसफुली ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर किए हैं, नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा आईडी होल्डर्स के खिलाफ। सो लेट्स सी, देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोग को दे दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं अचीवमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर सना खान के हो गए हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, चिंकी मिंकी को मिल गया है सिल्वर प्ले बटन, अदनान के 09 उनके हो गए हैं 100 मिलियन लाइक्स। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी। मिलते हैं सच्ची वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, स्लैप। अबे साले।